नमस्कार, राष्ट्रीय खबर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव। आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सचिव पंकज पोरवाल जी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन देश भर में तमाम इंस्टीट्यूटों का मुखिया बना हुआ है, जो तमाम इंस्टीट्यूट को बनाकर तैयार करता है। तो आज हम जानेंगे पंकज जी से कि आखिर कैसे अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हुई और कैसे आज ये देश भर में सेवाएं प्रदान कर रही है। सबसे पहले पंकज पोरवाल जी, आपका राष्ट्रीय खबर टीवी में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंकज जी, अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में हमारी जनता को बताएं। अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की शुरुआत सन 1998 से हुई थी, जब भारत में मुख्य रूप से यह है कि इस समय और 98 से लेकर अब तक स्वास्थ्य शिक्षा की ज़रूरतों को लेकर मुख्य रूप से जो हमारे अब्दुल कलाम जी का सपना था कि भारत स्वस्थ रहे और भारत में जो स्वस्थ हो, नारी शिक्षा हो, ग्रामीण शिक्षा हो और मिली का जो निर्धन शिक्षा, उनको शिक्षा मिलके हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए, और जो उनका सपना था इंडिया बियॉन्ड 2020, वो हमने सोचा कि 20 या 22 साल पहले ही शुरू किया जाए। और उसको जो स्थिति है 2020 के बाद भारत सुपर पावर बने, तो उसको धीमे धीमे करके 1998 से हमने स्वास्थ्य शिक्षा देना शुरू किया। और मात्र एक शिक्षण संस्थान जो हमारा लोटस इंस्टीट्यूट था आगरा में, वहाँ से शुरुआत हुई। और अब तक भारत में हर कोने कोने में, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पूरे भारत में लगभग 427 संस्थान खोले जा चुके हैं। सभी में शिक्षण दिया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारा शिक्षण जमीनी स्तर पर हो, जो शिक्षा से लोग वंचित हैं, ग्रामीण बच्चे और मुख्य रूप से छात्राएं या नारियां जो इस शिक्षा से दूर रह रहे हैं, उनको ऐसी शिक्षा दे जाए कि भविष्य में अपना देश मुख्य रूप से निरोगी रहे, क्योंकि आजकल वर्तमान में इस शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। यह सोचकर हमने 1998 में इसकी शुरुआत करी और धीमे धीमे करके तमाम वो भी आई अटकलें, उसके बाद धीमे धीमे करे सीढ़ी बाई सीढ़ी, एक जमीनी से एक संस्थान से 5 संस्थान हुए, 10 संस्थान हुए। 2013 में हमने NCT से रजिस्ट्रेशन कराया, 2015 में UP गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराया, और धीमे धीमे अभी जब कोरोना काल आया, उससे पहले मात्र हमारे 60 संस्थान थे आज से 2 वर्ष पहले। और कोरोना के बाद जब भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारतवर्ष में जो शिक्षा की, स्वास्थ्यता की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ी, तो हमने बच्चों को 1 साल तक अपने संस्थानों में निःशुल्क ड्रेस, किताब, एग्ज़ाम और सारे डॉक्यूमेंट का फ्री किया अपनी तरफ से, जिसमें संस्थान पर लगभग 40 संस्थानों पर 1,08,00,000 रुपए प्रति संस्थान 30 बच्चों का हमने फ्री किया। 1,08,00,000 रुपए का अधिभार हमारे ग्रुप पर पड़ा। परंतु हम ये चाहते हैं कि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा ग्रहण करके अपने यूथ को आगे बढ़ाए और भारतवर्ष से बीमारियां हटकर इसको आगे बढ़े। जी, तो आज संस्था किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है और कौन से कोर्सेज हैं जो आप उपलब्ध कराते हैं? संस्था मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षा दे रही है स्वरोजगार हेतु। मुख्य रूप से इसमें हमारे पास 2 तरह के कोर्स हैं। पहला कोर्स होता है पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स में जो एलोपैथ दवाएं होती हैं, उसमें मुख्य रूप से काम किया। उसमें सबसे प्रचलित कोर्स है CMSED, ग्रामीण चिकित्सक का कोर्स है, जो नगर निगम की सीमा के बाहर ग्रामीण चिकित्सक बन सकते हैं। इससे ये 2 साल का कोर्स है। इसके अलावा ANM है लड़कियों के लिए, नर्सों का DMLT है, CMS है, ड्रेसर है, और रेडियो एक्सरे का कोर्सेज है, और ऑप्टोमेट्री है, ये सारे कोर्स। डेंटल का कोर्स है, ये सर डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन कोर्स है। इसके अलावा दूसरा कोर्स हमारा चलता है आयुष का। आयुष के कोर्स में क्या होता है कि ये योगा का है, वेटनरी का है, आयुर्वेद का है, होम्योपैथी का है और यूनानी का। ये कोर्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं और हमने उनमें जो छात्र हैं उनको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, मुख्य रूप से जो दवाएं नई आ रही हैं, जो हमारे पास कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे BMS अल्टरनेटिव, BUMS अल्टरनेटिव,
जो कुछ एक ही तरह की दवाएं, ना एलोपैथ ना आयुर्वेद, उनसे मरीज सही होता है। जो कंबाइंड दवा होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, उसका प्रचलन शुरू किया। इससे जो होता है रोगी कि दो तरह के दवाओं का यूज करके जो नई बीमारियां हैं, जैसे कोरोना में अभी आया ओमिक्रॉन वगैरह, उसमें भी दी जाके कारगर हुई हैं और मरीज हमारे सही हुई हैं। तो हम स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्णतः हर घर घर में बेस बनाना चाहते हैं, जिससे डॉक्टर के पास जाने से पहले कम से कम सभी लोगों के भारत के कोनों को इतनी जानकारी हो कि क्या बीमारी है, कैसे फैली, कैसे इससे बचा जाए और क्या इसका लक्षण है और भारत इससे कैसे दूर रह सकता है। जी, संस्था कहाँ कहाँ से मान्यता प्राप्त है और भविष्य में इसकी क्या संभावना है? संस्था जो हमारी है, अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन, मेनली एनसीटी दिल्ली से है, जो 2013 दिसंबर में रजिस्टर्ड हुई थी। और इसमें जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 8901190 है, जहाँ पर कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो बच्चों का कोर्स करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, वो आयुष पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में होता है, जिसमें आयुष के कोर्स यानी आयुर्वेद के और पैरामेडिकल के एलोपैथ के कोर्स, जैसे NMDMLT एलोपैथ के होते हैं और ये आपका DMS BMS डी फार्मा आयुर्वेद, ये सारे आयुर्वेद में। तो सारे रजिस्ट्रेशन दोनों तरह के आयुष पैरामेडिकल काउंसिल से होके बच्चे कहीं भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन और आयुष पैरामेडिकल से सारे डॉक्यूमेंट का हो जाता है। भविष्य में जो बच्चों को, हमारे जो छात्र हैं, उनको हम यही कहेंगे कि आप कोर्स करके कहीं पर भी आप खुल के अप्लाई करिए और जॉब जहाँ भी लगे, चाहे छोटी चाहे बड़ी, शुरुआत एक कदम से कीजिए, मंजिल आपके हाथ में होगी। क्योंकि आप कदम बढ़ाते जाएंगे, शिक्षा आपको प्रेरित, और शिक्षा का कोई अंत नहीं है। शिक्षा आप ग्रहण करोगे, एक सीढ़ी है, इसके अलावा और भी बड़े कोर्स हैं, तो उसको करिए आप। और करने के बाद जहां आपको हमारे देश की सेवा, क्योंकि समाज सेवा और देश की सेवा, जो रोगों की सेवा करने से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और इसको आप कीजिए और छात्र मेहनत कीजिए और लोगों को निरोगी रखिए, और इसके साथ साथ अपना पैरों पर खड़े होइए और सेल्फ डिपेंड इंडिया को बनाइए। चलिए, तो अभी जो आपकी संस्था द्वारा कोर्सेज कराए जा रहे हैं जी, उनकी भविष्य में क्या संभावनाएं बनती हैं जी? क्या क्या संभावनाएं हैं जो छात्रों को मिल सकती हैं आपकी ओर से? हम ये चाह रहे हैं कि मतलब जो हमारा संस्थान शुरुआत हुई थी तब इन कोर्सों की इतनी डिमांड नहीं थी। हमारा सपना है भविष्य का भारत। भविष्य के भारत में जो हमारे अब्दुल कलाम जी ने और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत, इसको हमें सपने को पूरा करना है। हमारा भारत स्वच्छ कैसे रह सकता है जब तक उसको स्वच्छता की पढ़ाई नहीं हो? स्वस्थ हेल्थ एजुकेशन से ही हो सकता है। और आत्मनिर्भर, सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग जब बीमारी आती है, कोई भी बीमारी, ओमिक्रॉन आ रहा है कुछ है, मन से भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। जब हम चाहते हैं कि सही जानकारी, इसका प्रिकॉशंस का, ये कैसे फैली, अगर उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे ना, तो वो बीमारी खुद ही आएगी नहीं हमारे पास, और आ भी जाएगी तो उसकी इतनी सावधानी रहेगी कि डॉक्टर्स पे जाने से पहले, एक तो पैसा बहुत खर्च हो रहा है लोगों का, और घर घर और भारत के कोने कोने तक ग्रामीणों में वगैरह को ये जानकारी होगी तो कैसे आएगी ये बीमारी, बीमारी से खुद ही दूर रहेगा हमारा भारत और हमारे भारत एक दिन सुपर पावर बनेगा यूथ शिक्षा को और स्वास्थ्य शिक्षा को देकर। चलिए, तो यदि कोई आपकी संस्था के साथ जुड़ता है जी, तो उसके लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? हमारे संस्था के जुड़ने के लिए ऐसा है कि हमारा जो संस्थान है, वह हम चाहते हैं कि जो संस्था हमसे जुड़े उसको भविष्य में आने तक, हम ये चाहते हैं कि वो छात्रों को सही जमीनी स्तर पर शिक्षा दे और उनको जो भी किताब, ड्रेस, एग्जाम या कहीं वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है उनको हम दें। और हमारे संस्थान को हम यही कहते हैं कि एडवर्टाइज या उसके अलावा छात्रों को सही शिक्षा सही पैसों में दी जाए, जिससे कि हमारे छात्र एजुकेशन ग्रहण करके और उसको जन जन तक आगे बढ़ाएं। और जो रोग हैं आजकल के जो चल रहे हैं, जैसे मान लो कोरोना आया या कैंसर की ज़्यादा आ रही है और भी नई नई बीमारियां ने, उससे हमारा देश बिल्कुल दूर रहे और सारे लोगों को इनको, इन बीमारियों की जानकारी, उनकी दवाओं की जानकारी, प्रिकॉशन की जानकारी, लक्षण क्या है, जिससे कि एकदम कोई होपलेस नहीं हो।
क्योंकि होपलेस में आदमी पैसा भी देता है, डॉक्टर के पास जाएगा भर्ती होगा तो हम 10,000, 20,000, 50,000 हाल देने देंगे, जब जानकारी होगी तो प्रिकॉशंस पहले ले आएंगे, हमें ये बीमारी है, ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट करा के उससे रह के और सही डॉक्टर के पास जाके कम केसों में करके उसको घर पर ही प्राथमिक उपचार यस दे सकते हैं, और उससे ये कि एक हमारा अनाप शनाप खर्चा, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर के पास जाए जाने में भर्ती होने पे आपका हेल्थ भी मेंटेन खराब होता है, तो आप घर पर भी उसको शिक्षा दें, घर पर इलाज करें पहले, और जब अत्यधिक जरूरत हो तभी डॉक्टर के पास जाए। सर, विगत वर्षों में जो भी आपकी कुछ उपलब्धियां रही हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। जो विगत वर्षों में मुख्य रूप से हमारी उपलब्धियां हुई, 98 से हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, उसके बाद एक जैसे हमारा पौधा लगा, पौधा लगाने के बाद अब हम लोगों को जड़, और अब उसके बाद अब फल आना शुरू हुई, जब इन कोर्सों की इतनी डिमांड नहीं थी 98 में, अब दिन पर दिन आजकल इसकी भविष्य में आने वाले 10 वर्षों तक बढ़ती जाएगी, और ये कोर्सेज जो हमारे कोर्स हैं इनकी आवश्यकता, छात्रों की आवश्यकता, शिक्षकों और स्कूलों की आवश्यकता, ब्रांच की आवश्यकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिना इसके आदमी का जीवित रहना असंभव है, क्योंकि हर साल ऐसे रोग आते जा रहे हैं जिनको जानकारी दी जाएगी, और हमारा 98 से लेके अभी हमारे जो छात्र हुए हर साल गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सभी में लगे जा रहे हैं, हमारे जो विगत छात्रों में लास्ट ईयर जो हमारे 19-20 में हैं, ये कुछ लड़कियाँ NHM में सिलेक्ट हुई हैं, इनका फोटो समेत है, ज्वाइनिंग लेटर भी हमारी बुकलेट में दे रखा है, कुछ DMLT में, कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में ऑर्डर भी दिया है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट में लिए जाएंगे, इसके अलावा सभी जगह बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और सभी जगह का वेरिफिकेशन यहाँ से जा रहा है। अभी जो 5,000 भर्ती निकली थी लास्ट 2 महीने पहले 30 सितंबर जिसकी लास्ट डेट थी, उसमें भी करीब हमारे संस्थान के से सबसे अधिक करीब 139 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, और मुख्य रूप से उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है और लिस्टिंग में नाम भी आ चुका है, ज्वाइनिंग लेटर लास्ट हफ्ते तक आ जाएगा जनवरी के, और इसके बाद जो है हम ये चाहते हैं कि जो अब 9,212 भर्ती निकली उसमें भी PAT पैरामेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चों ने पास करके और हमारे संस्थान का और हमारे ग्रुप का नाम रोशन किया, इसी तरह से भविष्य में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भारत नहीं पूरे विश्व में, पूरे अपने जगह लोकल और पूरे प्रदेश नहीं सभी जगह का नाम रोशन करके स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरतों को पूरा करें और भारतवर्ष को निरोग बनाए। जी, अभी कोरोना वायरस की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ओमिक्रॉन जो आ रहा है उसका मेरा मानना यह है कि मुख्य रूप से कि असावधानी क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं है क्यों आया, कैसे आया। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले कि साफ सफाई पर ध्यान रखें, चाहे आप ग्रामीण हो, चाहे मलिन बस्ती हो, चाहे कहीं हो, क्योंकि जो वायरस किसी भी तरह का है वो मुख्य रूप से गंदगी से फैलता है। सबसे पहले कि हाथ धोना या खाना पीना खाने से और गंदगी से आप दूर रहें, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, और जहाँ भी जाएं लोगों से थोड़ी सी दूरी बना रखें, जो गवर्नमेंट का शासनादेश है कि जो कम से कम 3 फुट की दूरी हो ये बना के चलें, और जो भी इस तरह के लोग हैं अपने आप को रोग से छिपाएं नहीं, अपना रोग उजागर करें, समय पर दवाई लें, तो जो रोग कोई है ये बड़ा रोग नहीं है, क्योंकि जानकारी में आया हुआ है कि इस तरह के रोग को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप रोगों को छिपाएं नहीं। आप रोग बता देंगे इसके सारे इलाज आए हुए हैं, सारी दवाई भी आ चुकी है, सारे टेस्टिंग भी आ चुके हैं, ये मात्र 10 या 15 दिन में आपके उससे दूर हो जाएगा बीमारी। पर यह है कि इससे सावधानी के लिए ये होता है कि जो भी इसको रोगी है इससे थोड़ा सा दूरी बनाए, या रोगी खुद अपना जाके प्रिकॉशंस ले, दवाई ले, और लोगों से फैलाने से बचे। और हमारा यही मानना है कि भारतवर्ष में ये हमारे लोग जो है इसका तरीके से पालन करेंगे, और हमारा देश 2021 के बाद जब 2022 चल रही है उसमें भारत दुनिया की सबसे वाला स्वस्थ देश रहेगा और सुपर पावर बन के रहेगा, जो अब्दुल कलाम जी का। तो ये थे हमारे साथ पंकज पोरवाल जी, अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सचिव। साथ ही साथ आपको जानकारी भी मिल गई होगी संस्था के बारे में। इसके अलावा ओमिक्रॉन के चलते आपको सभी सावधानियों का पालन करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा यादव। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।